खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है, जहां जनपद के बैतालपुर में भाजपा बैतालपुर मंडल द्वारा बैतालपुर ब्लॉक सभागार में तथा गौरी बाजार मंडल द्वारा जयसवार मैराज नव नियुक्त जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आप सबकी तरह ही एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने की कोशिश करूँगा। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब जिस कार्यकर्ता को कोई काम हो या समस्या हो, वो बिना किसी संकोच के हमसे कहे, उस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से तैयार रहूँगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बैतालपुर प्रभाकर राय ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक संघर्षशील कार्यकर्ता को हम सभी के मुखिया की जिम्मेदारी दी है। इनके नेतृत्व में संगठन को हम सभी मिलकर और मजबूत करेंगे। अभिनंदन समारोह को राजेश कुमार मिश्रा, श्रीनिवास मणि, अरविंद पांडे, शशांक मणि, धनुषधारी मणि, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल, विनय राव, गिरजेश मणि ने भी संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने तथा संचालन महामंत्री विकास मणि ने किया। इस दौरान अंबिकेश पांडे, विश्वजीत सिंह सैंथवार, अमित रजाक, सुजीत सिंह, राजेश निषाद, सर्वेश नाथ त्रिपाठी, मनमोहन सिंह, गोविंद चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, नील रतन जायसवाल, राहुल मणि, नारायण मणि, अनिरुद्ध सिंह, बसंत मणि, संजय तिवारी, विजय पंडित, संदीप सिंह, शुभम मणि, पंकज मणि, अनिल मणि, सोनू मणि, धनंजय सिंह आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मैं जब जाता था गुजरात में कला जी, तो मोदी जी केटली का चाय लेकर स्टेशन पर आते थे। निश्चित रूप ऐसे मोदी जी देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता है और उस पार्टी का मैं गिना सकता हूं। इसलिए आप सभी लोगों को गौरव होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी संत है, वो भी संत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी किसी से लालच नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं रखते हैं। चुनाव आएगा, अगर शशांक मणि पर नाराज भी होंगे, जब चुनाव आएगा तो वो अपना भोरिया बिस्तर गाड़ी घोड़ा लेकर अपने मंडल में उतर जाएगा, अपने शक्ति केंद्र पर जाएगा, अपने बूथ पर जाएगा और ये चाहेगा कि मेरे